वेलकम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आप सभी व्यूवर्स को मैं कुछ जानकारी बताने वाला हूं, जो कि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने बताया था आयुष्मान कार्ड अपने मोबाइल से किस तरीके से बनाना है। तो वहां पर जो सेटिंग्स वगैरह की थी मैंने, वहां पर मैंने यहां पर लाइव बनाकर दिखाया था आयुष्मान कार्ड किस तरीके से आपको अपना आयुष्मान कार्ड या किसी कैंडिडेट का आयुष्मान कार्ड किस तरीके से बनाना है। यदि आपके पास लैपटॉप ले जाने की दिक्कत है या फिर बैटरी इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम हो लैपटॉप से रिलेटेड, तो आप मोबाइल से भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर सेटिंग्स वगैरह ये किस तरीके से करना है, OTG कौन सा लेना है और यहाँ पर डिवाइस कौन सा लेना है। यहाँ पर ये मंत्रा का डिवाइस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपको इस मंत्रा के डिवाइस को किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, और मेरे हाथ में जो मोबाइल है आपको मैं बता देता हूँ, यह मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यह ओप्पो का मोबाइल है, ये ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G मोबाइल है। और चलिए आपको यहाँ पर मैं सेटिंग करके एक करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके मोबाइल में कुछ एक एप्लीकेशन चाहिए होंगी, जो कि पहले आपको देख लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले हमें चाहिए मंत्रा का RD सर्विस, ठीक है। आपको मंत्रा आईडी सर्विस इंस्टॉलेशन कर लेनी है। आप देख लीजिए ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, और इसके कितने क्या हैं डाउनलोड फॉलोवर वगैरह, तो ये देख लीजिए 10 मिलियन डाउनलोड हैं, 4.3 की रेटिंग है, 12 प्लस ये कुछ करके है, कुछ इस तरीके से आपको डेमो देखने के लिए मिल जाते हैं इसके। तो आपको यही वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है यदि आपके पास मंत्रा की डिवाइस है। खैर, आगे मैं और भी डिवाइस का वीडियो डालूंगा, यदि आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए आप इसको लगा लेते हैं। इसके पहले भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपके पास जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से ठीक है आपने मंत्रा का RD सर्विस डाउनलोड कर लिया। दूसरी चीज़, आपका जो क्रोम है, ये क्रोम भी अप टू डेट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको क्रोम प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको क्रोम लिख देना है, और क्रोम लिखते ही आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा अपडेट का बटन, तो आपको सिंपली इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने से कुछ सेटिंग्स हैं जो इसमें आ जाती हैं, और वो सेटिंग के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो चलिए हमारी इंस्टॉल हो रही है, तब तक हम यहाँ पर आपको सेटिंग करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, क्योंकि इसीलिए बैक हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और उसके साथ ही अपडेट रहेगा तभी ये सब कुछ चलेगा। और आपको यहाँ पर अपना GPS सेटिंग, जो GPS होता है ना, लोकेशन, इसको इनेबल कर देना है, तभी ये काम करेगा। और चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा हो चुका होगा समथिंग। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्रोम पर, और यहाँ पर एक हम नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली सर्च करना है, जो हमारी लैपटॉप में सेटिंग्स होती हैं कुछ उस तरीके से ही होने वाली है। तो यहाँ पर हमें URL में लिखना है क्रोम, CHROME क्रोम, और कॉलन करके लिखना है हमें, दो बिंदियां होती हैं जो, कॉलन \ फ्लैग FLAG ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको ये आगे कर देना है इसको, और ये सेटिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर हमने एक चीज़ को एनेबल कर रखा है, आप यहाँ पर सीधा सर्च करेंगे अलाउ ALLOW अलाउ इनवैलिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास यदि सर्च करने में नहीं आ रहा है तो अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए, अपडेट होगा तभी आ चुका होगा। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिसेबल होगा, तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है, कुछ इस तरीके से होगा, तो आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद नीचे रीलॉन्च का बटन मिल जाएगा, आपको रीलॉन्च पर क्लिक कर देना है। आपकी यहाँ पर क्रोम की सेटिंग रेडी हो चुकी है, और अब बारी आती है, हमने यहाँ पर GPS इनेबल कर लिया है, और अब बारी आती है हमें एक अच्छी USB वाली OTG की ज़रूरत पड़ेगी, जो केबल वाली होती हैं, तो इससे आपका ऑडियो वाला जैक होता है, चार्जिंग वाला ये पोर्ट ख़राब नहीं होता है। तो आप कोशिश करके ये डोरी वाली लीजिए, जो लंबी है थोड़ी। तो चलिए हम इसको अटैच कर देते हैं, अभी इसमें कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। और अब जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में, आने के बाद यहाँ पर आपको OTG सर्च करना है। हम सिंपली OTG सर्च करेंगे, यहाँ पर OTG सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, ये रहा OTG कनेक्शन, तो इसको हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल करते ही हमारे पास मंत्रा RD सर्विस का पॉपअप आ चुका है, इसको अलाउ कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर बता रहा है प्लीज़ वेट सम टाइम, ऐसे कुछ करके आ रहा है मैसेज,
तो हम इसका वेट करते हैं। यहाँ पर आ चुका है डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़, यानी अब डिवाइस यूज़ करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आपको ध्यान देना है जो मैंने सेटिंग्स वगैरह बताए हैं, एक एक करके आपको देख लेना है। और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं अपने ऑफिशियल वाली वेबसाइट पर, beneficiary.nhc.gov.in वाली वेबसाइट पर। यहाँ से मैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अपडेट नहीं रहेंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करने वाली। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और लॉगिन करके दिखाते हैं, क्योंकि ये प्राइवेसी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये हमारा डेस्कटॉप मोड पर है अभी। एक और बात ध्यान देना, ये डेस्कटॉप मोड पर है तभी ये वर्क करेगी। वर्क तो वैसे भी करेगी, लेकिन थोड़ा अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है। सब स्कीम में आएंगे। MP से हैं आप तो समग्र ID सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पर देखने को दिक्कत मिलेंगी। तो समग्र ID ही सिलेक्ट करना है जितनी बार भी आप बनाएंगे कार्ड वगैरह। तो सर्च यहाँ पर करके आपको यहाँ पर ID डाल के सर्च कर लेना है। खैर यहाँ पर हमें ID हमें याद नहीं है, तो आपको डेमो दिखाने के लिए हम PMJ ID सेलेक्ट करेंगे और सर्च बाय नेम से हम किसी भी बंदे का, रैंडम बंदे का नहीं कर रहे हैं, किसी का भी हम यहाँ पर सर्च करके आपको एक KYC का डेमो दिखाएंगे। यहाँ पर अपनी डिवाइस जलाकर दिखाएंगे, और जो कि प्रैक्टिकल में दिखा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं सेटिंग्स बार दिखाना चाहता हूँ आपको, क्या किस तरीके से सेटिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। चलिए किसी एक की KYC करके आपको दिखाते हैं। KYC कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं होगी। अब फिंगरप्रिंट पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देख लीजिए, फिंगरप्रिंट पर ही क्लिक किया है, आधार OTP पर नहीं किया है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। चलिए हम अपना खुद का नंबर डाल देते हैं। सेटिंग्स करने के बाद हमारी ये डिवाइस रेडी हो चुकी है। अब ये प्रोसेस ले रही है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि सेटिंग्स में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए हम इसको एक बार अपने डिवाइस को देख लेते हैं कैप्चर करके। तो अभी देखिए डिवाइस वर्किंग में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखने को वही दिक्कत मिलेगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम इसको बैक करेंगे। दोबारा से आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारी कमियाँ रही हैं इसमें। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे पेज को। यहाँ पर प्रॉपर डिवाइस काम कर रही है, हमने सेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख रखी हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर दोबारा से डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। आधार नंबर को हमने छिपा दिया भाई, क्योंकि प्राइवेसी के चलते, ठीक है। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या ये डिवाइस दोबारा से काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से डिवाइस ये काम करने लगी है। अभी मैं यहाँ पर फिंगर लगाऊंगा, कैप्चर बताएगा, लेकिन किसी दूसरे के में डाटा मैचिंग नहीं होगा ना, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस जल्दी, ठीक है, और यहाँ पर ये सक्सेसफुल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन मार्क आ चुका है। यहाँ पर बस OTP डालेंगे जो अभी आई थी। यहाँ पर ये आधार कार्ड नंबर है मेरा, मैं इसको हिडन कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो OTP आई हुई है, तो यहाँ पर ये OTP हम डालेंगे, जैसे कि आपको ये देखने को मिल जाएगी, ये रही OTP। तो ये OTP डालेंगे तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिकल करके लाइव दिखा ही चुका हूँ। जो पिछला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में है, तो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे। व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई लोग। यदि लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, आगे मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें।